पिंपरी चिंचवड़ में महानगर पालिका के मोबाइल टॉयलेट की चोरी का मामला सामने आया है। शहर के पब्लिक टॉयलेट की अवस्था वैसे ही खराब हो चुकी है। 20 लाख जनसंख्या वाले पिंपरी चिंचवड़ शहर में सिर्फ 100 सार्वजनिक शौचालय हैं। इसके चलते पिंपरी में बहुत से लोग मजबूरन खुले में शौच के लिए जाते हैं। इसलिए महानगर पालिका ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहर की कई जगहों पर मोबाइल टॉयलेट रखा है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जहां शौचालय की सुविधा नहीं है वहां महानगर पालिका के द्वारा शौचालय की सुविधा उपलब्ध की जाती है और स्थानिक जो नागरिक है उसका पूरेपूर उपयोग करते हैं। आपको बता दें कि पिंपरी चिंचवड़ में 37 झोपड़पट्टियाँ हैं, लेकिन उनके शौच के लिए कोई व्यवस्था नहीं होने से ज़्यादातर खुले में शौच के लिए जाते हैं। मोबाइल टॉयलेट चोरी होने से उनकी परेशानी और बढ़ गई है। शौचालय चोरी की घटना ये बहुत हास्यास्पद घटना है। जितनी जिम्मेदारी अधिकारियों की है वो अधिकारियों ने उस पर ध्यान देना चाहिए और ध्यान दे के उसका भरा है या नहीं है वो देखना चाहिए। और इससे आगे मैं बोलता हूँ कि शौचालय बांधने का CRS फंड में से काम PCMC ने किया था, लेकिन वो जो काम किया है वो पूरी गलत तरीके से काम किया है। वो काम हुआ ही नहीं। हर घर घर में जो शौचालय का नारा था वो पूरा हुआ नहीं। किसी के घर में शौचालय नहीं, बहुत भयानक ऐसी कंडीशन वो है। अपने वास्ते लोग सरकार अच्छा करने कह दिया, आज साढ़े से चोरी होगा अच्छा नहीं लग रहा हमारे को, लेट लग रहा मेरे को। निश्चित रूप से मोबाइल टॉयलेट की चोरी निंदनीय है, उसकी जाँच होनी ही चाहिए, लेकिन बेहतर यही होगा कि इन झोपड़पट्टी वासियों के लिए स्थायी तौर पर शौचालय उपलब्ध कराए जाएं। पिंपरी चिंचवड़ से सुनील भोंगल, खबरदार।